की आवाज़ से मैं आपका दोस्त राजीव बंसल एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। मुखातिब हूँ इसलिए कि एक ऐसी व्यक्तित्व के साथ, एक ऐसे राजनेता के साथ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिया है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को जिया है। आप हैं श्रीनिवास गोयल जी, जो धरती से जुड़े हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जैसे ही जिन्होंने होश संभाला वैसे ही इन्होंने शाखा में जाना शुरू किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे, अंत्योदय इनका मुख्य पद रहा और भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष रहे, कोषाध्यक्ष रहे और जिला अध्यक्ष रहे। अब वर्तमान में ये चेयरमैन है वेयर हाउस कॉरपोरेशन के। भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने सामाजिक सरोकार होकर काम किया है, भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने धरती से जुड़कर काम किया है और अपनी एक पहचान बनाई है, एक साधारण परिवार में जन्मे श्रीनिवास गोयल जी से आज हम बात करेंगे। दो मुद्दों पे बात करेंगे उनसे। सबसे पहले तो एक अचानक सुषमा स्वराज जी का जाना भारतीय जनता पार्टी में कितना खल रहा है, यानी कि कितना खालीपन हो गया है उस पर। और दूसरा, धारा 370 जो श्रीनगर के अंदर अबोलिश की गई है, खत्म की गई है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता जो एक अपने आप में संस्था थी, सुषमा स्वराज जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो पूर्व में रही हैं, उनका चला जाना भारतीय जनता पार्टी को कितना खा रहा है। श्रीनिवास जी, आपका मीडिया पर स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, बहन सुषमा जी का जाना, वो बाल्यकाल से ही राजनीतिक क्षेत्र से 25 वर्ष की आयु में हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर बन गई थी और उन्होंने अनेक बार चुनाव लड़े, तकरीबन वो जीती, सात बार सांसद रही, तीन बार विधायक रही। और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को दिया, समाज को दिया, देश को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसकी भरपाई का वो हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अटल जी के साथ, अडवाणी जी के साथ, अब मोदी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ और हरियाणा में चौधरी देवीलाल जी के साथ काम किया। और एक जनसभा में 1999 में जब हंसराज स्वान ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, DGP ने, उस टाइम उकलाना आई थी एक जनसभा में, तो उनसे मिलने का भी, उनसे बातचीत का भी, उनके अनुभव का हमने फायदा उठाया। और 2004 में जितेंद्र जोग ने बरवाला से चुनाव लड़ा था, तो खेड़ी चौकता में वो आई थी, उनके उनसे जब भी मिलना हुआ। और उसके बाद 2009 में फिर जितेंद्र जोग ने चुनाव लड़ा, बरवाड़ा में वो आई थी, उनसे बहुत ही अच्छे मधुर भाती और मिलनसार व्यक्ति थी। उनके जाने से भारतीय जनता पार्टी को, देश को, समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है, वो अपूर्णीय है, वो पूर्ण नहीं हो सकती, भगवान उनकी आत्मा को शांति। धारा 370 श्रीनगर से हटा दी गई है, संविधान से भी हटा दी गई है, इसका पॉजिटिव कितना रहेगा और लोगों में बड़ा जश्न का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, लगता है कि श्रीनगर में शांति बहाल होगी। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो हिंदू महासभा के प्रधान थे, और उनसे क्या उन्होंने जनसंघ बनाया, और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में वो उद्योग मंत्री थे, वो कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी पहली गवर्नमेंट, वो सर्वदलीय गवर्नमेंट थी, और उसमें उद्योग मंत्री थे, वो बंगाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। और उन्होंने नेहरू से, जवाहरलाल जी से कहा, भाई एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं होने चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूँ, दो निशान, दो विधान और दो प्रधान, विधान मैंने कानून, तो वो नहीं रहने चाहिए। नेहरू जी ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी, उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। उस टाइम आज से 50-70 साल पहले मंत्रिमंडल को छोड़ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल को छोड़ना त्याग की भावना थी। फिर उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ जा करके, हरियाणा के भी 2-3 लोग उनके साथ थे उस आंदोलन में, ओम प्रकाश जी ग्रोवर, रमेश जी जोशी, डॉक्टर मंगल सेन, उस आंदोलन में साथ थे और सब अवार्डर पर जाकर उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने कहा परमिट बनाओ, उन्होंने कहा मैं परमिट व्यवस्था को नहीं मानता, मैं परमिट व्यवस्था तोड़ने के लिए आया हूँ, तो उन्होंने परमिट ना बनवा करके अंदर प्रवेश किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में शेख अब्दुल्ला ने उनको स्लो पॉइजन करके उनको हत्या कर दी। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल जो है उनका स्वप्न साकार हुआ है,
आज जो वो कहते थे 70 साल पहले, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं होने चाहिए, तो मोदी जी ने, अमित शाह ने वो सिद्ध कर दिया। आज उस इस देश में एक ही तिरंगा है, एक ही विधान है, एक ही संविधान है। तो इसके लिए मैं मोदी जी को, अमित शाह जी को और देश की जनता को बधाई देता हूँ कि ऐसा स्वर्ण युग जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक तिरंगा ही तिरंगा रहेगा, वो और कोई कुछ नहीं रहेगा, इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई। आप मुख्यमंत्री जी के बहुत करीब हैं, बहुत सबसे ज़्यादा करीब आप ही माने जाते हैं मनोहर लाल जी के, प्रदेश के अंदर अब चुनाव होने वाला है, इस 370 धारा के बाद प्रदेश 90 तक पहुँच जाएगा। अब की बात 73 पार 75 पार का नारा आप लगाते हो, अब 90 को छू जाओगे क्या? देखिए मनोहर लाल जी की कार्यशैली, मोदी जी की कार्यशैली, मनोहर लाल जी करी, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबके दुख दर्द में सबका सबका विकास करना, जहाँ हमारे विधायक ने वहाँ भी 300-400 करोड़ रुपए दे करके वहाँ का विकास किया। सिसार जी ये बात कर लें, हमारे दो ही विधायक हैं, 5 जगह हमारे विधायक नहीं हैं, उकराणा, बरवाड़ा, हसी, सब जगह विकास किया। तो ऐसा विकास पुरुष मनोहर लाल जी, इनके उनका कोई सानी नहीं है, वो सफेद कपड़ों में संत हैं। और जहाँ तक 75 पार का 90 पार का है, हम अब 75 पार करते थे, कहते थे, किंतु मुझे तो लगता है आर पार हो जाएगी, कोई 75% नहीं, आर पार हो जाएगी। जनता मनोहर लाल जी भी खुश है, अब मोदी जी ने जो ये काम किया है धारा 370, इससे जनता और ज़्यादा गदगद है। तो आने वाले चुनाव में कितना भी कितनी भी सीटें आ सकती हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसका कोई पूर्वानुमान ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इस धारा 370 वोट नहीं गिन रहे, वोट का इजाफा हम गिन नहीं रहे, ये देश का भला है, देश के भला के साथ साथ पार्टी का भी भला हो जाएगा। यह सब गोल साहब मैं एक बात और कर रहा हूँ, 11 तारीख को हासिम एक क्वेश्चन, उसमें जुझारू उपाध्यक्ष अजय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में, आप भी उसमें शिरकत करेंगे? हाँ हाँ, मेरे को निमंत्रण आया है सैनी साहब का, वो अच्छे जुझारू एमसी है, वहाँ पर हमारे हिसार के सांसद विजेंद्र सिंह जी भी आएंगे, डॉक्टर कमल गुप्ता भी जाएंगे, हमारे जिला के सम्मानित सुरेंद्र पुनिया भी जाएंगे, तो मैं भी उसमें शिरकत करूँगा, उस बच्चे का आशीर्वाद। कुंभा बढ़ेगा निश्चित रूप से, जुड़ाव होता है, बिखराव और जुड़ाव, कांग्रेस में आज बिखराव, कांग्रेस में कितने लोग धारा 370 के खिलाफ बोल रहे हैं, कितने लोग धारा 370 के हक में बोल रहे हैं, वहाँ बिखराव है, और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ाव है। सैनी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता, एमसी, नगर का सुधार करने में रुचि रखने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलेगी। धन्यवाद गोयल साहब, ये थे श्रीनिवास गोयल जी, चेयरमैन वेयर हाउस कॉरपोरेशन के, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यानी कि सामाजिक सरोकार से जिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिया। हमने उनसे विवाद बातचीत की, उन्होंने सुषमा स्वराज को एक संस्था माना, एक बहुत बड़ा ओरेटर माना, और सरदार सुमन भी अर्पित किए, और साथ ही धारा 370 के बारे में श्यामा मुखर्जी के सहसमरण, उनकी जीत, उनके सपनों को साकार उन्होंने बताया कि ये 70 साल पहले उन्होंने जो ये बीड़ा उठाया था मुखर्जी की, सपनों को साकार किया मोदी जी ने। श्रीनिवास गोयल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हांसी की आवाज़ मीडिया पर आए। धन्यवाद मित्रों, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हांसी की आवाज़ चैनल आपका अपना प्रिय चैनल है, आपने हमें बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया, और फीडबैक भी देते रहते हैं, हमेशा इससे जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक अच्छे कार्यक्रम के साथ, ऐसे ही एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी के साथ आपको रूक रूक रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राजीव बंसल का प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।